दोस्तों, मैं वैभव आपका ओरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है पार्किंसन गियर टेस्टर। इस वीडियो को मैंने कुछ इस तरह से डिवाइड किया, मैं पहले आपको उसका प्रिंसिपल बताऊंगा, फिर वर्किंग और फिर उसके लिमिटेशंस। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रिंसिपल समझ के लेने के लिए आपको दो गियर्स लेने पड़ेंगे। एक गियर आपका क्या रहेगा, मास्टर गियर रहेगा, और एक दूसरा जो गियर रहेगा वो आपका गियर अंडर टेस्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपका मास्टर गियर है वो फिक्स स्पिंडल में रखना है, कि जो क्या होता है मूवेबल नहीं है, ये जो स्पिंडल है ये मूव नहीं होता, मतलब गियर एक जगह पे फिक्स है। और दूसरा एक गियर लेना है जो क्या है कि एक स्लाइडिंग कैरेज पे माउंट है। तो ये दोनों को क्या करना है आपको, एक दूसरे को ये जो गियर्स है उनको मैश करना है, और इसके अंदर जो स्प्रिंग रहेगा वो क्या करेगा, इन दोनों का डिस्टेंस कॉन्स्टेंट करेगा। फिर ये दोनों गियर्स को क्या करना है आपको, रोटेट करना है। जब आप ये दोनों गियर्स रोटेट करोगे तो क्या होगा, जो कुछ ये जो आपका गियर अंडर टेस्ट है इसमें जो भी कुछ अगर पिच में कुछ एरर है या कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ पिच लाइन में कुछ एरर है, तो क्या करेगा इसके ये गियर को क्या होगा, एक डायल इंडिकेटर अटैच रहेगा, वो आपको क्या करेगा उसका मूवमेंट दिखाएगा कि गियर में कुछ एरर है क्या। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। फिर इसकी वर्किंग की तरफ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम देखना पड़ेगा। पहले एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपका ये फिक्स स्पिंडल है, और ये फिक्स स्पिंडल के ऊपर ये जो गियर दिख रहा है ये क्या है, आपका मास्टर गियर है। फिर ये कैरिएज है जिसको रोलर पे ऊपर उन्होंने क्या किया, माउंट किया है। फिर ये गियर अंडर टेस्ट है। फिर ये जो कैरिएज है, ये कैरिएज को क्या किया है, उन्होंने डायल इंडिकेटर उसको अटैच किया है। फिर डायल इंडिकेटर से आप क्या कर सकते हो, मूवमेंट ले सकते हो। फिर इसका एक टॉप व्यू यहाँ पे, तो टॉप व्यू में देख सकते हो ये गियर मास्टर गियर है, ये गियर अंडर टेस्ट है। फिर ये जो टेबल है आपका, ये जो कैरिएज है, ये कैरिएज को डायल इंडिकेटर अटैच है। एट द सेम टाइम इसको क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर भी अटैच है, जो क्या करेगा आपकी जो मैकेनिकल मूवमेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्डर है जो क्या करेगा आपकी ये जो कैरिएज की जो मूवमेंट है उसको रिकॉर्ड करके वो पेपर पे आपको ट्रेस करके दिखाएगा। तो इसमें क्या है कि ये जो आपका राइट साइड का गियर है उसको मास्टर गियर कहोगे, लेफ्ट साइड का गियर उसको गियर अंडर टेस्ट कहोगे, ठीक है। इसका जो पोजीशन है आप एडजस्ट कर सकते हो, इसके टेबल के नीचे एक स्क्रू रहेगा, वो स्क्रू लूज करके आप उसका जो पोजीशन है आपके हिसाब से आप टेबल पे क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। और ये गियर इसके ऊपर माउंट करके आप स्प्रिंग प्रेशर से ये दोनों को क्या कर सकते हो, कॉन्स्टेंटली मेश करके रख सकते हो। अभी इन दोनों को मेश करते टाइम आपको सेंटर डिस्टेंस का भी उनका ध्यान रखना है, कि इन दोनों का सेंटर डिस्टेंस बराबर कैलकुलेट करके आपको दोनों को क्या करना है, ये जो स्पिंडल्स है उनको एक पोजीशन में आपको लाना है। फिर ये जो मास्टर गियर और ये जो गियर है, इन दोनों को क्या करना है आपको, रोटेट करना है। जैसे आप उसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, अगर इनके कुछ पिच में प्रॉब्लम है या सर्कुलर पिच लाइन में प्रॉब्लम है या प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, ये जो कैरिएज है ये क्या कैरिएज क्या होगी, कभी ये साइड को, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड को मूव हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो मूवमेंट है ये क्या करेगा, डायल इंडिकेटर को देगा, और डायल इंडिकेटर क्या करेगा, मूवमेंट दिखाएगा आपकी। ऐसी ये इसका टोटल आपका वर्किंग था। फिर ये मैंने यहाँ पे तीन प्रोफाइल बनाए, दे सकते हैं आप, ये जो ऊपर का जो इलेक्ट्रॉनिक पेपर है उसके ऊपर से मैंने प्रोफाइल निकाल के उसको सर्कल में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखाया आपको, कि ये अनसेटिस्फैक्ट्री गियर है, आपका प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, ऐसे कंप्लीट ऐसा आना चाहिए। तो वो कैसा आया, कुछ इस तरह से आया, ये प्रोफाइल मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो उसके बाद दूसरा प्रोफाइल ऐसा है, ये मॉडरेट है, चल सकता है, और तीसरा जो प्रोफाइल है वो परफेक्ट ऐसा है। अभी ये वीडियो का जो तीसरा पार्ट है लिमिटेशंस, उसकी तरफ बढ़ते हैं। लिमिटेशंस में क्या क्या है, कि डायमीटर 400 mm, मतलब आप 400 mm के अबो के जो डायमीटर के जो गियर रहेंगे वो इसके ऊपर पार्किंसन गियर के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद है सेंसिटिविटी ऑफ डायल गेज, अभी आपको माइन्यूट इसके जो वेरिएशन आएगा इसका वो भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपके डायल इंडिकेटर का सेंसिटिविटी कितना है उसके ऊपर वो डिपेंड है। फिर उसके ऊपर एरर नॉट सेपरेटेड, अभी ये जो प्रोफाइल आई है ऐसी, इसके ऊपर से आप उसका ये नहीं कर सकते हो कि प्रोफाइल में कुछ एरर है या पिच में एरर है या कॉन्सेंट्रेसिटी या पिच लाइन में उसके एरर है, वो आप डिस्टिंगुइशन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो बस। फिर उसके बाद आप गियर के ऊपर खाली बोल सकते हो कि ये गियर एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। कांट फाइंड कॉज, आप उसके ऊपर का कॉज नहीं फाइंड कर सकते हो कि किस वजह से गियर क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है,
ठीक है। ऐसा ये टोटल पार्किंसन गियर टेस्टर था। आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके साथ ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आप डिप्लोमा से हो तो ये दोनों डायग्राम, ये डायग्राम को एक मार्क रहेगा आपके, ठीक। इसका टॉप व्यू नहीं निकाला तो भी चलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, आई वैभव, वेलकम टू न्यू हॉरिजॉन एकेडमी। टुडेज वीडियो इज अबाउट पार्किंसन गियर टेस्टर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पार्किंसन गियर टेस्टर, वर्किंग ऑफ पार्किंसन गियर टेस्टर एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्किंसन गियर टेस्टर। इन वर्किंग प्रिंसिपल देर आर टू गियर्स, वन गियर इज माउंटेड ऑन फिक्स शाफ्ट एंड अनदर गियर इज माउंटेड ऑन मूवेबल शाफ्ट। सो दिस टू, कंसिडर दैट दिस इज अ फिक्स्ड गियर, मतलब दिस इज अ फिक्स स्पिंडल एंड अनदर वन इज मूवेबल स्पिंडल। इन ऑन फिक्स स्पिंडल आई हैव माउंट ए योर मास्टर गियर एंड अनदर मूवेबल स्पिंडल आई हैव माउंटेड गियर टू बी टेस्टेड एंड दिस टू गियर्स आर आई हैव फिक्स्ड बाय स्प्रिंग प्रेशर, सो दे आर डू नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, दिस इज योर, एंड देन व्हेन यू रोटेट दिस टू गियर्स, your one dial indicator is attached to your carriage on which this movable shaft is mounted, and this whatever the at the time of rotation of these two gears, the carriage is having some movement, and that movement is recorded by your dial indicator. Okay, this is your working principle. After that, working of Parkinson gear tester. For this I have drawn this your front view and top view, and this is the profile of your gear which to be test. So this is your master gear, this is your gear to be test. Same in top view, master gear to be test, carriage, dial indicator, electronic transistor, recorder, electronic recorder. So this is your fixed spindle. This spindle you can adjust by moving one nut over here and adjust on whatever position you have to fix it, and after that this on this movable spindle you have to mount the gear to be which gear you have to test, mount that gear on this and just adjust the center distance of these two spindles. Okay, and after that this spring will maintain the constant mesh of these two gears. After that you have to do rotation of this master gear. When master gear rotates, your gear to be test is also rotated. But what happen if there is a variation in their pitch or pitch concentricity or pitch line, then what happen, this carriage will get shifted from its position. Okay, and due to that this whatever the movement of your carriage is get transferred to the dial indicator plunger, and dial indicator will show the movement. At the same time to your carriage there is a one electronic transducer is also attached. Electronic transducer convert this mechanical movement into electrical or electronic signals and send it to your electronic recorder, and that electronic recorder will trace your movement of your carriage. Okay, after that there are three profile of your gear to be test. This is the profile, actual profile is in white line. Okay, so when you have measured the gear you got this profile. Okay, this is not satisfactory, unsatisfactory profile. After that this profile is okay, moderate type of profile, you can accept it, and this is your fully satisfactory profile. Then we will turn to your limitations of Parkinson gear tester. First limitation is diameter more than 400. The gear which have diameter more than 400 mm you cannot mount on Parkinson gear tester. This is your first limitation. After that, sensitivity of dial, you can measure minute imperfections in your gear, but take the dial indicator of that sensitivity. Okay, after that error not separated. Okay, this is your profile, but you cannot separate that this is due to pitch line, due to concentrity of pitch line wagera. This you cannot separate errors, different types of errors in gears due to which measurement get from Parkinson gear tester. After that accept or reject, you have to
ओनली आफ्टर गियर अंडर टेस्ट यू हैव टू टेल ओनली आफ्टर वेदर दिस गियर इज एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेबल. यू कैन नॉट फाइंड द कॉज ऑफ रिजेक्ट इफ कंसिडर दैट वन गियर इज रिजेक्टेड, बट यू कैन नॉट से दैट दिस गियर इज रिजेक्टेड ड्यू टू पिच और कॉन्सेंट्रेसिटी ऑफ पिच लाइन. दिस इज पार्किंसन गियर टेस्टर. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो. थैंक यू.